Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about how to create database inside the MySQL server and also creating the table inside that server, that database, and inserting the data into that table and deleting the data from that table and also deleting the whole table from that database. So these are the topics that we are going to discover today in today's video. So without wasting any time, let's start it. Okay. So let's start it. मैंने खोल लिया वर्कबेंच. मैं यहाँ पर लिखूँगा एसक्यूएल क्वेरी डाटाबेस क्रिएट करने के लिए. उसके लिए लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस. उसका नाम दूंगा मैं कंपनी. इस लाइन को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और इस आइकन पर क्लिक करना है. आप देख सकते हो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, मीन्स आपका डाटाबेस क्रिएट हो चुका है. इसको रिफ्रेश करना है सीमास वाले पेज को. आप देख सकते हो कंपनी नाम का डेटाबेस बन चुका है. अब बनाऊंगा मैं इसके अंदर टेबल. पहले इसके लिए एक लाइन लिखूंगा यूज़ कंपनी. इससे क्या होगा, जो भी मैं नीचे एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, मेरी कंपनी डाटाबेस के अंदर रन होंगी. ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉई. इसको मैं दूंगा सीरियल नंबर, इसको दूंगा एंट प्राइमरी की, और इसको बोलूँगा ऑटो इंक्रीमेंट. अपने आप इंक्रीमेंट होती है इसकी वैल्यू. ठीक है, और फिर दूंगा एक नेम वेर कह रहे, इसको लेंथ दे दूंगा मैं 40. ओके, उसके बाद दूंगा एक मैं एज इज ए एंट मेरी. ठीक है, उसके बाद मैं इस लाइन को पूरी को सेलेक्ट करना है. उसके बाद इस आइकन पर फिर से क्लिक कर देना है. आपकी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है. मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हो टेबल के इधर एक एरो आ चुका है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय टेबल बन चुकी है. ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करूँगा. उसके लिए लिखूँगा इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम एम्प्लॉय. क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर, मैं उसका नेम कॉमा उसकी एज इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ. और वैल्यूज दूंगा इसको मैं, नेम का दूंगा मैं रमेश, इसकी एज दूंगा मैं 34 ईयर्स. ठीक है, कॉमा लगा के मैं और भी डाटा इंसर्ट करा सकता हूँ. सपोज़ मैं एक और इंसर्ट कराऊँगा मोनू, इसकी एज दे दी मैंने 43. ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा. अब फिर से क्या करना है मेरे को, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है और फिर से इस आइकन पर क्लिक करना है. आपका रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है ये रो. ठीक है, अब मेरे को देखना है कि ये हुए या नहीं. उसके लिए मैं दूंगा एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट स्टार मींस ऑल फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई. ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पूरी लाइन को, और सेलेक्ट करने के बाद इस आइकन पर क्रिएट क्लिक कर दूंगा. तो आप देख सकते हो मेरी टेबल मेरी को दिख रही है, शो हो रही है. उसमें सीरियल नंबर 12 हमने डाले नहीं है, ऑटोमेटिक इसने इंक्रीमेंट किए अपने आप से लिए. और नेम के अंदर रमेश मोनू आ गया, एज के अंदर 34 और 43 आ चुका है. तो जब मैंने डाटा इंसर्ट किया था, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा रमेश वाला एम्प्लॉई है उसने जॉब छोड़ दी है, उसको डिलीट कर दूँ. ठीक है, उसके लिए क्या लिखूँगा मैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉय में से डिलीट कर दो किसको, वेयर नेम इक्वल्स टू रमेश. यहाँ पर नेम की वैल्यू रमेश हो उसको हटाई दो टेबल में से. ठीक है, इसको सेलेक्ट करके रन कराना है. आप देख सकती हो ये रन हो चुकी है कम से कम सक्सेसफुली. फिर से मैं इसको सेलेक्ट करके देखूंगा कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ जो भी डिलीट हुआ था. तो आप देख सकती हो यहाँ पर सीरियल नंबर 2 दिखा रहा है, सीरियल नंबर 1 नहीं दिखा रहा क्योंकि 1 सीरियल नंबर वाला डिलीट हो चुका है और नेम के अंदर आ रहा है मोनू, एज के अंदर 43. इस डिलीट से हम कंडीशन दे के किसी भी रो को, पार्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमको पूरे टेबल को डिलीट करना है. उसके लिए क्या करना है, सिंपल लिखना है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई. ये क्या कर देगा, पूरे टेबल को डिलीट कर देगा. आपको मैं दिखाता हूँ, इसको सेलेक्ट करना है, इस आइकन पर क्लिक करना है और मेरी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है. टेबल के अंदर भी टेबल गायब हो चुकी है. ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे को दे देगा एक एरर. वो एरर क्या देगा, वो एरर देगा टेबल कंपनी एम्प्लॉय डजेंट एग्जिस्ट, मीन्स कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि मैंने वो डिलीट ही कर दी है. इन दिस वे हमने देखा कि सारे मतलब डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस के अंदर अपन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट कराते हैं, और डाटा को कैसे डिलीट कराते हैं, और पूरे टेबल को कैसे डिलीट कराते हैं. तो आगे वाले वीडियो में और भी देखेंगे हम. तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.